जय हिंद दोस्तों। हेलो 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 गाइज, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ आपका दोस्त एचडी जिक्स। तो जैसे आपने थंबनेल देख के आपको तो पता चल चुका होगा कि हम इंडिया का फ्लैग बनाने वाले हैं। पता है मैं लेट हूँ इंडिपेंडेंस डे से, पर हम इंडिया का फ्लैग तो कभी बना सकते हैं। और छोटा मोटा फ्लैग नहीं होने वाला है, ये बहुत बड़ा फ्लैग होने वाला है। तो पूरा वीडियो देखना, तो बढ़ते वीडियो की तरफ, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, लेट्स गो। सो बाय द वे, आपको ये जगह तो पता ही होगी। नहीं पता, पिछला वीडियो देखो, यहाँ पे मैंने अपना सीक्रेट अंडरग्राउंड बेस बनाया। देखो और कैसे बनाया और इसके अंदर क्या क्या है वो आपको देखने, तो पिछला वीडियो देखो, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। तो हम अभी उड़ के जाते हैं, यहाँ पे हमारा फ्लैग बनाएंगे। बहुत बड़ी और अच्छी जगह है। ओ भाई लोग, कौन हो तुम? चाइना। अरे निकलो निकलो इधर से, निकलो हमारे इलाके में क्या कर रहे हो? निकलो निकलो, तुम्हें तो मैं नहीं छोड़ूंगा। निकलो तुम लोग। ये ली मैंने डायमंड की स्वॉर्ड, और अभी इनको छोड़ूंगा नहीं। रुको भाई रुको, अभी तो छोड़ूंगा नहीं। हमारे इलाके में आते हो, हमारे इलाके में आते हो। तो चलो इनको मार तो दिया यार, अभी हम हमारा झंडा बनाएंगे मस्त वाला, बहुत ऊंचा वाला। सो ये झंडा बनाने के लिए मैं डायमंड ब्लॉक्स और गोल्ड ब्लॉक्स का इस्तेमाल करता हूँ, जिससे ये नीचे वाला बेस जो बहुत अच्छा दिखेगा। इससे हम नीचे का लेआउट बना देंगे, मतलब जिससे वो नीचे वाला जहाँ पे हम खड़े रह के झंडा लगाते हैं वो जगह अच्छी दिखेगी। सो और यहाँ पे ये डायमंड के ब्लॉक्स एकदम इक्वली लगाता हूँ, काउंट कर लेता हूँ, 1, 2, 3, 4, 8 हो गए ना, और 2 लगा देता हूँ, मतलब अच्छा लगेगा। और ये चारों तरफ से बनाएंगे, मतलब इक्वालिटी रहेगी चारों तरफ से। और उसके ऊपर हम लोग गोल्ड लगाएंगे। और भाई लोग, हम इंडिया से अमीर है, बहुत से डायमंड ब्लॉक्स लगाएंगे भाई, डरते हैं क्या? हम कुछ भी लगा सकते हैं। सो गाइस, अगर आप इंडिया से हो और आप प्राउड हो तो लाइक कर दो इस वीडियो को। आप इंडियन हो तो सब्सक्राइब कर दो भाई लोग, और हाँ आपके दोस्तों के साथ शेयर कर दो, मतलब उनको भी ये देख के बहुत अच्छा लगे और आप भी अपने इसमें ये बनाओ। सो यहाँ पे ये सब डायमंड वायमंड लगा लेता हूँ, और इसको कवर अप कर देंगे, और इसके ऊपर हम लोग गोल्ड लगाएंगे नेक्स्ट लेवल पे। सो मैं अभी क्या कर रहा हूँ आपको आइडिया ठीक से आया नहीं रहेगा, क्योंकि अभी स्टार्टिंग है। पर इसके ऊपर अभी मैं ठीक से जब पूरा कंप्लीट करूँगा तो आपको आइडिया आ जाएगा कि मैं क्या करना क्या चाहता हूँ, क्योंकि इससे बहुत आइकॉनिक लुक आने वाला है इसको। और देखो ना कितना मस्त लगेगा। देखो पहले ये बन जाने दो, और फिर आपको मैं लुक दिखाऊंगा कि फिर वो कैसे दिखेगा, और फिर आपको पता चल जाएगा कि हाँ भाई तू सही कह रहा था, मान लिया तुझे। सो यहाँ पे ये लगा देता हूँ, यहाँ पे मस्त बनेगा ये गोल्ड। और यहाँ पे इस बार मैं आयरन वायरन का इस्तेमाल नहीं करूँगा, क्योंकि पिछले इसमें बहुत आयरन का इस्तेमाल किया, तो यहाँ पे गोल्ड का इस्तेमाल करेंगे हम लोग। क्या कर रहा हूँ मैं यार, अभी तक इतने दिनों से माइनक्राफ्ट खेल रहा हूँ, मेरे को ब्लॉक प्लेस करना अभी तक आता नहीं है। मोबाइल पर सेंसिटिविटी बहुत ज़्यादा है, और कम करूँगा तो बहुत कम हो जाता है। तो देखो आप अब सबको समझ गया होगा कि मैं करना क्या चाहता हूँ। अब एक काम करेंगे, बीच में यहाँ पे इक्वल ये बन चुका है, तो यहाँ पे बीच में हम लोग 4x4 का कुछ तो ऊपर झंडे का डंडा रहता है वो ऊपर तक, तो हम लोग इसमें शायद वुड का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि वुड एक कलर आइकॉनिक दे देगा। क्योंकि अगर आयरन का इस्तेमाल करेगा तो अच्छा ज़्यादा नहीं लगेगा, तो यहाँ पर हम इसे वुड से बनाएंगे। सो बहुत ऊंचाई तक ले जाएंगे, शायद 100 ब्लॉक्स तक ले ही जाएंगे, मतलब मस्त ऊँचा हो तो दूर से भी दिखना चाहिए, ऐसे बनाएंगे। इस जगह वुड से बनाएंगे तो अच्छा लगेगा, पर आपको क्या लगता है यहाँ पे और कुछ होता तो सजेस्ट करना, मैं चेंज कर दूंगा बाद में। सो यहाँ पे ये 100 तक तो लेके ही जाएंगे, मतलब वो झंडा एकदम मस्त और ऊंचा दिखेगा, क्योंकि वो झंडा का मेन जो फ्लैग है वो भी हमें बड़ा बनाना है। इसलिए ये बड़ा जितना ऊपर ले जाऊँगा उतना मैं वो एरिया भी, वो पार्ट भी बड़ा बना पाऊँगा। क्या आपके इसमें भी ऐसा एक फ्लैग है इंडिया का? आप कमेंट करके बताओ, और आप क्या क्या गेम मोड देखना चाहोगे वो भी कमेंट करके बता दो, मतलब मैं हर गेम मोड बनाने के लिए आपके लिए तैयार हूँ। तो यहाँ पे 95 तक हो चुका है, तो यहाँ तो 100 तक लेके ही आते हैं इसको। हाँ अब ठीक है भाई, 100 तक अब अच्छा लग रहा है ये। और अभी हम लोग इंडिया के लिए वो चीज़ बनाएंगे झंडा, जिसे मेन फ्लैग हमारा वो बनाएंगे। सो यहाँ पे ये माइनक्राफ्ट है, इसलिए एकदम परफेक्टली तो बिल्ड होगा नहीं, तो माफ़ कर देना मुझे, पर मैं जितना ट्राई करूँगा उतना बेस्ट बनाने की ट्राई करूँगा, क्योंकि माइनक्राफ्ट है तो बीच का चक्र होगा वो परफेक्टली नहीं बनेगा, तो वहाँ पे सिर्फ मेरे को कुछ तो लगाना पड़ेगा ऐसे ही। तो कॉन्क्रीट का इस्तेमाल नहीं करेंगे हम, वूल का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि कॉन्क्रीट से इतना अच्छा टेक्स्चर नहीं आएगा, पर वूल से आएगा। तो वूल ले लेते हैं, ऑरेंज वूल लेते हैं, ग्रीन वूल लेते हैं, वाइट वूल लेते हैं, और ब्लू वूल लेते हैं। तो यहाँ पे ये सब ले लिया है मैंने, ले क्लिक ही नहीं होता कभी कभी, तो यहाँ पे ये ले लेते हैं, और यहाँ पे वाइट वाला भी ले लेते हैं। अरे यार मैं ऑरेंज लेना ही भूल गया, तो यहाँ पे वापस जाके ऑरेंज ले लेता हूँ। ऑरेंज 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 कलर मेरा फेवरेट है भाई लोग, मस्त लगता है वो किसी पे, और झंडे पे है तो झंडा भी बहुत अच्छा दिखता है वो ऑरेंज कलर। तो यहाँ पे ये हम लोग 2x2 लेयर से बनाएंगे, मतलब दोनों साइड से एकदम इक्वली ये देखा, और यहाँ से दूरी तक भी ज़्यादा लाएंगे, ज़्यादा दूरी लाएंगे तो वो अच्छा नहीं दिखेगा लुक से, तो इतना ही ले लेते हैं। और यहाँ से नीचे 3 लेयर नीचे तक लगाएंगे, हाँ। सो ऐसा ये लगाते जाते, और यहाँ पे फिर नीचे 2 लेयर वाइट की लगाएंगे,
और यहाँ पे फिर दो तीन लेयर वापस ग्रीन की लगाएंगे और बीच में थोड़ा ब्लू लगाएंगे, मतलब वो इक्वली झंडे का बीच का अशोक चक्र लगेगा। तो यहाँ पे ये बढ़ा लेते हैं और उसके बाद नीचे से हम लोग फिर वाइट का लगाना शुरू कर देंगे और लास्ट में ग्रीन लगाना है। यहाँ पे ये ज़्यादा लग गया। सो यहाँ पे ये इतना तो हो चुका है, देख के मेरे को ऐसे अभी आइडिया आ रहा है कि ये बहुत मस्त दिखने वाला है। तो यहाँ पे दो लेयर वाइट के बनाते हैं, तीन नहीं दो ही, ठीक है। फिर यहाँ पे ये दोनों साइड से इक्वली ले लेते हैं, यहाँ पे से और तीन ले लेता हूँ, मतलब दोनों साइड से इक्वल। यहाँ पे एक और लगेगा, नीचे भी लगाना बाकी है। हाँ तो नीचे से भी लगाएंगे यहाँ पे, क्योंकि दोनों साइड से दो दो लेयर और नीचे है तो बहुत मज़ा आएगा। तो यहाँ पे ये बना लिया मैंने और यहाँ पे बीच में ब्लू लगा देंगे, मतलब एक मस्त सा कलर आ जाएगा। आपको पूरा बनने के बाद लगेगा कि क्या भाई क्या मस्त बनाए। तो यहाँ पे मैं पूरे चक्कर का वो बीच की लाइंस तो नहीं लगा सकता, पर इसलिए माइनक्राफ्ट है ये, तो उसमें क्या कर सकते, तो मेरे को ऐसे ही बनाना पड़ा। तो यहाँ पे और ब्लू लगाएंगे, मतलब यहाँ पे नीचे का आधा पार्ट ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका है, यहाँ पे ग्रीन लगा देंगे, मतलब हमारा झंडा पूरा बन जाएगा। तो ये भी थ्री लेयर्स का ही बनाएंगे, मतलब इक्वालिटी रहेगी ऊपर और नीचे वाले में। सो यहाँ पे ये पूरा लगाना है, सो ये फटफट फटफट लगा देंगे और हमारा झंडा पूरा हो गया भाई लोग, फाइनली झंडा पूरा हो गया इतना होने के बाद। यहाँ पे बस थोड़े लैंटर्स लगा दूंगा नीचे के साइड, मतलब उजाला रहेगा थोड़ा, अंधेरे में भी दिखेगा। और यहाँ पे ये थोड़ा और चार ब्लॉक्स लगाने और फिर हमारा झंडा पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। सो यहाँ पे ये झंडा हमारा पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है और यहाँ पे अभी बस थोड़े लैंटर्न लगा देते हैं ऊपर के साइड में, मतलब रोशनी आएगी यहाँ पे, और नीचे भी थोड़े लगा देते हैं डायमंड ब्लॉक्स के इधर। सो यहाँ पे हम लोग ये लाइट्स लगा देते हैं और फिर फाइनली हमारा झंडा पूरा कंप्लीट हो चुका है। और आपको ये झंडा कैसा लगा कमेंट करके कमेंट में बताओ। और हाँ कमेंट में जय हिंद भी लिखना भाई लोग, जय हिंद लिखना इफ़ यू आर अ प्राउड इंडियन। और हाँ सब्सक्राइब कर दो भाई, आपके लिए ऐसे ही मस्त मस्त वीडियो लाऊंगा। तो यहाँ पे हमारा झंडा पूरा हो चुका है गाइस। सो ये है हमारे तिरंगे का लुक, कैसा लग रहा है गाइस बताओ कमेंट में। और हाँ जय हिंद लिखना मत भूलना।